हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। पिछले वीडियो में आपने जैसे देखा कि हमने किस तरीके से हमारे किचन को मोस्ट ऑफ द किचन को प्लास्टिक फ्री कर दिया है, तो आइए देखते हैं कैसे हमने हेल्दी सब्स्टिट्यूट्स ढूंढ निकाला है। तो अभी चल रही है कल की वीडियो की तैयारी, एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो आई है, रेडी रहिए उसके लिए। हेलो गाइस, तो आज है डे टू, ये डी क्लटर वीडियो का डे टू है। कल बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था हमें, इसके वजह से हमें कल उधर ही स्टॉप करना पड़ा। और अमेजोन से भी मेरी कुछ चीज़ें आने वाली थी जो कुछ ही देर पहले आई हुई है। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। मैंने कैसे पुरानी चीज़ों को चेंज करके नई चीज़ों में तब्दील किया है। सो कुछ क्यूट क्यूट सी चीज़ें मैंने अमेजोन से एंड होम सेंटर से, मैंने दोनों से मंगवाया है, और उस पर मैं कैसे उसको रखती हूँ। मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए। क्या है तो मैंने जो सामान लिया है वो होम सेंटर और अमेजोन से लिया है। मैंने इस टाइप के जार्स लिए, मैंने काफ़ी क्यूट लगते हैं और ये आई थिंक एयर टाइट भी है। सो यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट्स और कुछ स्पाइसेस रखने वाली हूँ। सो देखते हैं कैसे ऑर्गेनाइज करती हूँ मैं इनको। It's looking cute, right? So, मैंने काफी सामान भर दिया है, थोड़ा थोड़ा जितना भी था मेरे पास। कुछ ड्राई फ्रूट्स है, कुछ स्पाइसेस है, और मैंने इस टाइप के भी कंटेनर लिए हैं। देखिए इसमें मैंने अभी सेमोलिना रखा है, ये मैंने दो लिए थे। इसमें मैंने रखा है रागी, इसमें मैंने ऑलरेडी फिल कर दिया है, अभी बस मैं ऑर्गेनाइज करती जाऊंगी एक के बाद एक। और ये मैंने डीमार्ट से लिया था, ये मैंने 3 से 4 लिया है। मैंने ऑलरेडी उनको क्लीन कर दिया है, अब तो मुझे एक के ऊपर एक स्टैक करना है। ये फिर से मैंने अमेज़न से लिया है। ये भी मैंने होम सेंटर से लिया है। आई थिंक वी आर डन। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ अगला सामान। हालांकि मैं दो वाटर बॉटल्स थे मेरे पिंक कलर के, उन्हें मैं बिल्कुल भी फेंकना नहीं चाहती थी, बट मुझे डिक्लटर करना पड़ा बिकॉज वो भी प्लास्टिक थे। सो उसके बदले में मैं ये बहुत ही क्यूट एंड स्टोरी ग्लास बॉटल्स लेके आई हूँ। अभी मैं दो ही लेके आई हूँ बिकॉज कांच के हैं तो थोड़ा सा मुझे रिस्की लगा। सो लेट्स जस्ट यूज टू ऑफ देम, दो यूज करके देखती हूँ मैं इफ आई लाइक देम, एंड उसके बाद मैं ज़्यादा लेके आऊँगी। और ये मुझे होम टाउन से मिले थे, आई थिंक या होम टाउन से मैंने लिए थे उनको। सो ये फ्रॉम होम सेंटर, ये दो भी होम सेंटर से लेके आई थी मैं, और ये नाइफ भी, ये भी होम सेंटर के ही हैं। बट ये सेट में नहीं आए थे, ये मैंने अलग लिया और नाइफ मैंने अलग लिया था।
आई थिंक दिस इज आल्सो फ्रॉम Amazon. ये मैंने कप्स रखने के लिए लिए. आइए देखते हैं इसको मैं कैसे सेटअप करती हूँ. ये मेरी कटिंग चाय वाली ग्लास है, मुंबई फेमस. आई थिंक आई नीड योर हेल्प. सो ये जो प्लास्टिक के कंटेनर्स है, पहले हम इसे यूज़ किया करते थे, लेकिन इसके जगह अभी हमने ये ग्लास जार्स ख़रीदा है जिसमें आप यूज़ कर सकते हो. ये ग्लास जार्स हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर है रादर देन यूजिंग दिस प्लास्टिक कंटेनर्स. तो इन प्लास्टिक के कंटेनर्स पे भी आप खाना स्टोर ना करें, गर्म खाना स्टोर ना करें, उसके जगह आप ये ग्लास के जो बहुत ही कम प्राइस में मिलता है डीमार्ट में, अमेजोन में, होम सेंटर में, होम टाउन में, हर एक जगह पे ये मिलता है, ये प्लास्टिक कंटेनर्स के जगह पे आप ये ग्लास कंटेनर्स यूज़ कर सकते हो. ये काफ़ी स्टर्डी भी है और प्लास्टिक से तो कई कई गुना ज़्यादा अच्छा है आपके हेल्थ के लिए. And stay tuned क्योंकि अगले वीडियो में बढ़िया सा रेसिपी आने वाला है. Till then, take care, be happy, stay blessed. Bye bye.